हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौर, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पर है टीवीएस की रेडर 125 और इस तरफ है ऑल न्यू हीरो की X7 125 आर। आज के वीडियो में इन दोनों कंपैरिजन करेंगे सीट हाइट को लेके, कि दोनों के जो सीट हाइट है उसमें से कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल है शॉर्ट राइडर के लिए। इसकी सीट हाइट आपको बता दूं वो है 793 mm और इसकी है 780 mm। तो शॉर्ट राइडर के लिए रेडर अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसकी सीट हाइट थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी अपन क्या प्रैक्टिकल में एक बार यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास बंदे लोग हैं अभी, तो टेस्ट कर लेते हैं। ये तीनों खड़े यहाँ पे भाई लोग, अभी टेस्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताऊँ, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो भाई फाइनली भाई आ चुका है, और सबसे पहले फिर से हाइट बता दे एक बार। 5 फीट 2 इंच हाइट, 5 फीट 2 इंच इसकी हाइट है। तो पहले कौन सी बाइक पे बैठना पसंद करेगा तू? चॉइस इज योर्स। इस पे बैठेगा, पहले इस पे बैठ, इस पे बैठ भाई, और बता कैसी क्या इसकी राइड क्वालिटी है, कितनी सीट है तेरी? अब पैर टिक रहे हैं? पैर थोड़े कम टिक रहे हैं, लेकिन फिर भी इवन क्वालिटी इसकी गाड़ी की। गाड़ी कौन सी अच्छी लग रही है? वैसे गाड़ी का लुक तेरे को अच्छा लग रहा होगा ना? ये वाला अच्छा लग रहा है, इसकी वजह राइडर की वजह से, ये वाला एक्सट्रीम वाला, राइडर की वजह ये ज्यादा अच्छी लग रही है। दोनों में से अगर तेरे को गिफ्ट करूं तो कौन सी लेगा? ये वाली लूंगा मैं। इसमें क्या अच्छा लग रहा है भाई तेरे को? इसका लुक है बहुत शानदार लग रहा है लुक। अरे वाह, चलो मुद्दे पे आते हैं। इसका लुक तो अच्छा लग रहा है, इसका एंकल चेक कर लेते हैं। तो पूरा पैर नहीं टिक पा रहा तेरा है ना? अगर दोनों पैर टिकता है तो एक मिनट यहाँ से मैं चेक कर, दोनों पैर टिकना एक बार। बस ये थोड़ा एंकल टिक रहा है। अगर 5 फुट 2 इंच की हाइट है तो थोड़ा सीटी में थोड़ा सा आगे पीछे करने में दिक्कत होगी, बाकी ऐसे नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर तो सकता है वैसे, आगे पीछे करना एक बार, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इतना हार्ड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, है ना? तो एक बार, हाँ, अब एक बार इस पे आ, देखे रेडर पे, देखे ये कैसी लगती है। इसकी सीट हाइट भाई 780 mm है, इससे 13 mm कम है। ये देखो इस पे बैठ चुका भाई हमारा, और इस पे कितने पैर आ रहे हैं? इस पे थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। एक बार टेकना दोनों पैर, ये देखो इस पे, इसको आगे पीछे करना एक बार, हो रही है आराम से, आराम से हो रही है ना? कंफर्ट किस में ज्यादा आ रहा है तेरे को? ज्यादा कंफर्टेबल कौन सी लग रही है? मान ले तेरे को यहाँ से 100 किलोमीटर में भेजता हूँ बाइक राइड पे, तो कंफर्टेबल मतलब कौन सी लेगी? सर अगर आप राइड भेजना चाहोगे तो उस पर जाएंगे सर, इसका थोड़ा लुक खराब है। तो अच्छा, लुक खराब है, मजा नहीं आ रहा है? जब से एक्सट्रीम चलाई है तब से रेडर को भूल गए लोग, भूल ही गए, है ना? तेरे को ज्यादा पसंद वो आ रही है। सिटी में अगर तू चलाता है बाई चांस, आगे पीछे बार बार करनी पड़ रही है अपने, मान ले फिर तो कौन सी ये कम्फर्टेबल रहेगी मेरे हिसाब से? हाँ सर, ये थोड़ा कम्फर्टेबल रहेगी, है ना? क्योंकि सीट थोड़ा सा कम है, तो उस हिसाब से ये सही रहेगी ना? लेकिन वो भी मतलब अरे वो तो चीज है, वो तो खरा सोना यार, वो तो ये तो गेम चेंजर होने वाली है, सही बता रहा हूँ। मैंने, मेरे को इतनी अच्छी लग रही है ना बाइक, हर चीज में लुक्स भी अच्छे हैं और इसका माइलेज वगैरह भी काफी अच्छा, राइड रिव्यू भी काफी शानदार रहा है इसका। बाकी यार टेस्ट अलग अलग करने थे मेरे को, क्योंकि प्रैक्टिकल टेस्ट में थोड़ा सा ज्यादा विश्वास रखता हूँ मैं, और इसीलिए भाई को हमने बुलाया। तो भाई ने भी देखो भाई, इसमें कम्फर्ट इसमें आ रहा है फिर भी, लेकिन भाई वही बाइक चलानी है इसको, बस ये इसमें इसके पैर ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बाइक पसंद कौन सी आ रही है? एक्सट्रीम। तो अगर कौन सी दोनों में से कौन सी लेगा? एक्सट्रीम लेगा। एक बार तुम भी आ जाओ भाई, दोनों देख लो। वैसे तुम्हारा, तू तु तो है ही ऐसा फुल राइडर, एक बार बैठ के देखना रेडर में, इसमें कौन से में ज्यादा अच्छा लगता है? तू बैठ देखे एक बार, इसमें कैसा लग रहा है? सही आ रही पूरी? हाँ, एकदम परफेक्ट। इसके तो पैर भैया हर जगह आ जाते हैं, बाकी ये थोड़ी सी छोटी लग रही है देखने में भी, वो थोड़ी सी हेवी लुक के साथ आती है। उस पर बैठना एक बार, पैर तो तेरे भैया, इसका पैर तो हेलीकॉप्टर से भी नीचे आ जाते हैं, ये तो बाइक है ज्यादा ही हो गया है। ये ज्यादा अच्छी लग रही है, इसका थोड़ा लुक भी बल्कि आ रहा है ना? ये हेल्थ के हिसाब से तेरे को अच्छी लग रही है, जिसकी हाइट पर्सनैलिटी अच्छी हो, है ना? आ जा नीचे, आ जा बस, तेरे को बैठना बैठ। वो ये थोड़ा सा, हाँ बस इतना ही था यार, देखो समझ में आ गया होगा कि ये शॉर्ट राइडर के लिए थोड़ी सी बेटर रहेगी सिटी के हिसाब से, क्योंकि सिटी में आगे पीछे अगर आपको ज़्यादा करना है तो राइडर थोड़ी सी ज़्यादा ठीक रहेगी। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक्सट्रीम में दिक्कत हो रही हो, एक्सट्रीम भी काफ़ी शानदार है और उसमें भी ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है। 5 फीट 2 इंच से भी हाइट कम है आपकी, फिर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी जो भाई अपना, तेरे 5 फुट 2 इंच है ना भाई, तेरे को तो अगर चलाने को मिले तो एक्सट्रीम चलाएगा, यही बोल रहा है ना? देख लो भाई, पैर थोड़े भले कमाए, लेकिन जो फील आ रहा है एक्सट्रीम में, जो वाइब्स आ रही है ना, वो भैया इसमें नहीं आ रही है। तो मैं तो कहूँगा एक्सट्रीम बेस्ट है यहाँ पे। तो बस ये था छोटा सा वीडियो, बाकी आपको इन दोनों से कौन सी बाइक अच्छी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी ऐसे वीडियो आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।